दोस्तों मेरा जो कैमरा, उसमें हमें न्यू अपडेट देखने को मिला है। उसकी यूआई को यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। क्या क्या फीचर देखने को मिलता है उसके बारे में आप आगे बताने वाला हूँ। इसके अलावा ये जो सिक्योरिटी वाला एप्लीकेशन है, इसका अपडेट आया 7.7, ये बिल्ड में देख सकते हैं। ये दोनों अपडेट आप अपने फ़ोन में मत कीजिएगा। इन दोनों अपडेट में क्या फीचर देखने को मिलता है मैं आपको बताने वाला हूँ। पर ये अपडेट अगर आप अपने फ़ोन में करते हैं तो या तो आपके फ़ोन में ये फीचर्स काम नहीं करेगा, या फिर अगर काम किया आपके फ़ोन में तो आपको बहुत लैग देखने को मिलेगा। तब फिर दोस्तों बात करते हैं इस सिक्योरिटी एप्लीकेशन के अपडेट के बारे में। तो इस एप्लीकेशन को जैसे आप लोग अपडेट करेंगे, अब जैसे 7.7 वर्जन जो है, और आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। सेटिंग में जाता हूँ और जाता हूँ ऐप में, मैनेज ऐप्स, और मैं सिक्योरिटी सर्च करता हूँ। तो देख सकते अभी मेरे फ़ोन जो वर्जन इंस्टॉल है 7.4। पर जैसे आप 7.7 वाले वर्जन पर इंस्टॉल करेंगे, अपडेट करेंगे, तो आपके जो बैटरी होता है, बैटरी स्टेट्स, इसमें हमें जो स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिलता है, स्क्रीन कि हमारा फ़ोन कितनी देर तक ऑन रहा है, स्क्रीन कितनी देर तक ऑन रहा है, वो जैसे आप लोग 7.7 के वर्जन पर अपडेट करेंगे, इस वाले इस नंबर पर अपडेट करेंगे, तो ये स्क्रीन ऑन टाइम वाला जो फीचर्स है हमारे फ़ोन से रिमूव हो जाएगा, फिर देखने को नहीं मिलेगा। और अगर दोस्तों कैमरा वर्जन की बात करें यहाँ पर, तो कैमरा में हमें कैमरा 5.0 की अपडेट देखने को मिला है। मैं दिखा देता हूँ, तो 5.0 की अपडेट देखने को मिला है। ये दोस्तों लाइका वाला कैमरा है, उसी फ़ोन में काम करेगा, इसमें लाइका का कोलैबोरेशन देखने को मिलता है। तो ये सिर्फ शाओमी 12S अल्ट्रा, शाओमी 13 प्रो और शाओमी 13 अल्ट्रा सिर्फ तीन डिवाइस में दोस्तों काम करेगा। बाकी सभी डिवाइस में इंस्टॉल करेंगे तो आपका कैमरा क्रैश करेगा। इस एप्लीकेशन से ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। काफ़ी दोस्तों इंटरफेस को यहाँ पर चेंज कर दिया गया, देख सकते हैं। स्वाइप डाउन करेंगे तो ये कुछ इस तरह की मेन्यू देखने को मिलता है। बाकी आप लोग यहाँ पर टाइल्स पर टाइप करके सभी चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। वाटर मार्क पर अगर टाइप करेंगे यहाँ पर एरो पे, तो कुछ इस तरह की हमें रेगुलर और लाइका वाला वाटर मार्क के सपोर्ट देखने को मिल जाता है। फिर फोटोज खींचेंगे तो आपको उसी तरह के यहाँ पर वाटर मार्क देखने को मिलेगा। और आप लोग यहाँ पर जूम करेंगे तो देख सकते हैं ये डायलर वाला इफेक्ट आपको देखने को मिल जाता है, जिससे हमें एप्पल के फ़ोन में, वन प्लस के और दीगर फोन देखने को मिलते हैं, कुछ इस तरह देखने को मिलता है। और शटर स्पीड तो कमाल का शटर स्पीड है। तो यूआई में यहाँ पे काफ़ी इंप्रूव कर दिया गया। अगर मैं आप लोग कंपेयर करता हूँ नन लाइक वाला कैमरा से, तो देख सकते हैं कुछ इस तरह इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। अगर आप लोग ये करेंगे, जूम करेंगे, तो कुछ इस तरह के आप लोग को इंटरफेस देखने को मिलता है। और यहाँ पर टाइप करके आप लोग सारे मेन्यू यहाँ कर सकते हैं, जबकि लाइक वाला फोन में स्वाइप डाउन करके ही यहाँ पर सभी ऑप्शन को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अपडेट देखने को मिलता है। मैं लिंक आप लोगों से शेयर नहीं करूँगा क्योंकि आपके फ़ोन में काम नहीं करेगा, और सिक्योरिटी वाला एप्लीकेशन काम करेगा भी तो आपकी जो फीचर्स है स्क्रीन टाइम वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो मैं इसका भी लिंक आप लोगों से शेयर नहीं करूँगा। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करिए और कमेंट जरूर कीजिए।